केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मेट्रो ट्रेनों के परिचालन के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया को जारी किया है। साथ ही डीएमआरसी ने मेट्रो परिचालन का टाइम टेबल भी जारी किया है। डीएमआरसी ने कहा कि हम केवल एक लाइन को फिलहाल खोलेंगे जो कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मेट्रो सेवा देगी और उसके बाद शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक मेट्रो सेवा देगी। डीएमआरसी चीफ आगे कहते हैं कि समयपुर बादली से हुड्डा सिटी सेंटर के बीच 7 सितंबर से मेट्रो चलेगी। मेट्रो का दूसरा फेज 9 सितंबर से शुरू होगा। इस फेज में ब्लू लाइन, पिंक लाइन और गुड़गांव लाइन को शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशन पर कुछ चुनिंदा गेट को ही एंट्री के लिए खोला जाएगा, एग्जिट के लिए अलग गेट होगा। केवल स्मार्ट कार्ड और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने वालों को ही अनुमति मिलेगी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने आगे बताया कि ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी को भी नियमित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। यात्रियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना तक लगाया जाएगा। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।